कर्मचारी अधिकारी संघ खरगोन ने अपनी मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। कोरोना जैसी वैश्विक भयावह महामारी होने के बाद भी स्वास्थ्य कर्मचारी एवं आदि अधिकारी कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने अपनी मांगों को लेकर एक भावनात्मक अपील स्वरूप ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने ऐसे कर्मचारी जो ड्यूटी के दौरान संक्रमित होते हैं या उनके परिजन संक्रमित होते हैं तो उन्हें आवश्यक मेडिकल सुविधाएं प्राथमिकता से दी जाए। इस ज्ञापन में इन्होंने कर्मचारियों एवं उनके परिजनों के लिए अलग से वार्ड बनाने की भी मांग रखी। साथ ही 60 से ऊपर वर्ष के कर्मचारियों की कोविड में ड्यूटी ना लगाने आदि मांगे रखी और सिविल सर्जन डॉक्टर दिव्येश वर्मा को जिला चिकित्सालय में ज्ञापन दिया। तत्पश्चात यह ज्ञापन CMHO को भी दिया। आज कर्मचारी अधिकारी संघ द्वारा जिला चिकित्सालय में जो कोविड वार्ड में कर्मचारी अधिकारी कार्य कर रहे हैं उनकी सुविधा के लिए और जो बाहर से पेरीफेरी से अधिकारी कर्मचारी आए हैं उनके खाने और रहने ठहरने की व्यवस्था के लिए और बहुत सारी ऐसी समस्याएं कि जैसे अधिकारी या कर्मचारी जहां ड्यूटियाँ दे रहे हैं अपनी सेवाएं दे रहे हैं वो खुद संक्रमित होता है तो उसके लिए कोई भी अलग से सुविधा नहीं है क्योंकि वो ड्यूटी करते हुए अपने परिवार और खुद को कैसे संभाले। यदि उसे वो सुविधाएँ मिल जाए तो निश्चित रूप से और अपनी सेवा भाव बढ़ा सकता है और जो अपने परिवार की चिंता है उससे निवृत्त होकर और भी अच्छे से कार्य कर सकता है। इसलिए हमने बहुत सारी हमारे साफ सुथरी समस्याओं के लिए ज्ञापन दिया है। हमने प्रशासन शासन से मांग की है कि हमारी समस्याओं का निराकरण करें। डिजियाना न्यूज़ निमाड़ रिपोर्ट खरगोन।